नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष ने आज कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। मतदान से तीन दिन पहले जिला पंचायत अध्यक्ष यनिता चंद्रा, उनके पति यशवंत चंद्रा सहित कई समर्थकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। यनिता चंद्रा ने कांग्रेस छोड़ने के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के तीन दिन पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके पति ने जांजगीर बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी संगठन के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और संभाग प्रभारी अनुराग सिंह देव की उपस्थिति में यनिता चंद्रा ने कांग्रेस छोड़ने के पीछे कांग्रेस की रीति नीति में बदलाव और जनप्रतिनिधियों को उपेक्षा करने का आरोप लगाया। यनिता चंद्रा के पति यशवंत चंद्रा ने भूपेश बघेल और बड़े नेताओं द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर तानाशाही करने का आरोप लगाया और नरेंद्र मोदी जी के कार्यों और बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन करना बताया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी प्रत्याशी जांजगीर चांपा जिला में 2 लाख से अधिक मत से जीतेगी, जिसके लिए खुद जिले भर के सरपंच और जनपद के सदस्य से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने का दावा किया। जांजगीर चांपा जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके साथियों को बीजेपी प्रवेश कराने के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन और संभाग प्रभारी अनुराग सिंह देव बीजेपी कार्यालय में उपस्थित रहे। नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस का नाम डूबने वाली है, जिसमें सवार लोग अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। उन्होंने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि गौठान के नाम पर जिसने करोड़ों का घोटाला किया, जिस राहुल गांधी प्रियंका गांधी का गुण गाते हैं, वही गोमाता के हत्यारों के साथ संबंध रखते थे, वही बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। नितिन नवीन ने कहा, इस बार छत्तीसगढ़ की जनता अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करेंगे और छत्तीसगढ़ की 11 सीट बीजेपी को सौंपेंगे। जांजगीर चांपा जिला पंचायत में पिछले 4 साल से कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष का पेट था, लेकिन अब अध्यक्ष का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी प्रवेश करने के बाद जिला पंचायत भी बिना मेहनत के बीजेपी के पक्ष में चला गया है और जिला पंचायत के अध्यक्ष के बीजेपी आने से जिले के 600 गांव कांग्रेसियों के प्रभावित होने की संभावना भी जताई जा रही है। मैं इस कांग्रेस से 20 साल से मैं कांग्रेस में ज्वाइन कर रही थी और मैं कांग्रेस में ईमानदारी पूर्वक काम की हूँ और उसके बावजूद भी मेरे कांग्रेस के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो पूरा जमीन से जुड़े हुए हैं। क्षेत्र में जो भी काम होता है क्या नहीं होता, वो सभी हम जनप्रतिनिधि साथ में जुड़े हैं। इसके साथ हम लोग जो नाराजगी हम लोग इसीलिए हम पंचायती राज से जुड़े हैं, तो इसलिए हम लोग सभी पंचायत के राज के लोगों को नाराजगी है। इसीलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी में इस्तीफा दी हूँ और मैं बीजेपी में इसलिए ज्वाइन की हूँ कि उनकी नीति न्याय बहुत अच्छी लगी। वो छोटे जनप्रतिनिधि को लेकर सबको पूछ परख रहे हैं, इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी की जो योजना है उनकी इसकी मैं निश्चित रूप से वो मेरा अनुमान था और अब मुझे लगता है कि वो सही होगा, बल्कि 2 लाख से और अधिक वोटों से वो पीछे रहेंगे। ऐसे इस लोकसभा का भी और आने और जितने भी लोकसभा हैं सभी लोकसभा में बीजेपी जीतेगी और बीजेपी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पहले कुछ अलग था, पर विगत 8-10 साल से जनप्रतिनिधियों को, छोटे जनप्रतिनिधियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को और छोटे कार्यकर्ताओं को की अवहेलना करती थी, उनकी पूछ परख नहीं करती थी, उनको साइड में करती थी और उसमें मोनोपल्ली चलता था और जो वो बोल दिए वो वही करना पड़ता था। वो तानाशाह था, पहले की स्थिति कुछ और थी, पर अब भूपेश बघेल के राज में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही ही चला है। इसकी स्थिति परिस्थिति 5 साल में उनको पता चल गया है। हमने उनको अवगत कराया था, हमारी बात को उन्होंने स्वीकार किया। वो तो कहते हैं कि वादा तो चलते रहता है और वादा करते रहते हैं, हर वादा को निभाना कोई जरूरी नहीं है। और जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो सब उनसे आक्रोशित थे निश्चित रूप से। कांग्रेस से बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ता आज भाजपा परिवार और मोदी परिवार से जुड़े। जिला परिषद की अध्यक्षा अनिता यशवंत चंद्रा जी आज भाजपा में अपने समर्थकों के साथ जुड़ी और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से पूरे चुनाव चल रहा है और कल छत्तीसगढ़ के चुनाव का अंतिम पड़ाव होगा प्रचार का, तो मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की झोली में छत्तीसगढ़ से 11 का 11 कमल नरेंद्र मोदी के झोली में जाएगा और अटल जी ने जो सपना देखा था छत्तीसगढ़ के लिए वो 11 कमल खिलने का
वो सपना 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जरूर साकार होगा। बीजेपी द्वारा कांग्रेस का पोस्टर वार और कार्टून वार के चल रहे हैं, जिसमें किसी को टोटी चोर कह दिया जा रहा है, किसी को कुछ बना दिया जा रहा है। देखिए, ये बीजेपी का वार क्या है, ये उनके कारनामे हैं, जिन्होंने अपने कार्यखंड में जो कारनामे किए हैं उन कारनामों का जिक्र रहा है। जो लोग भी इसको लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं, जिस प्रकार के कारनामा उन्होंने किया है, चाहे वो शराब घोटाला हो, कोयला रेत घोटाला हो, किसी चीज़ में इन लोगों ने बख्शा नहीं। और इस छत्तीसगढ़ के गरीब और सामान्य और मासूम जनता के साथ जो खेल खेलने का काम किया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज अलग अलग तरीक़ों से प्रचार के माध्यम से आ रही हैं। और मेरा मानना है जनता के बीच में ये विषय भी है, जिन लोगों ने जब मकान खाली करने की बात आई तो क्या क्या नहीं किया, जब सत्ता में रहे तो क्या क्या नहीं किया। इस पूरे इलाके से लेकर चले जाइए, कोरबा से लेकर अन्य इलाकों में, कहीं वो एक क्षेत्र नहीं बचा। कहते ना, आकाश से पाताल तक घोटाला करना। जब 2G 3G 4G आया तो हम लोग कहते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार के समय में आकाश से पाताल तक कैसे घोटाला होता है, ये कारनामा करके दिखाया। तो आज उनके कारनामों की चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं दर्द तो हो रहा होगा। अभी हाल ही में देखा कि भूपेश जी बयान दे रहे थे गाय पे। मैं तो भूपेश जी से पूछना चाहता हूँ, जब जब राहुल और प्रियंका के शो होते थे, सबसे अधिक गाय का मृत्यु की खबर तब आती थी, और आप जिनके बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ तो गाय काटने वाले लोग घूमते फिरते थे, उनके साथ पार्टी करते थे, शर्म नहीं आती है? जिस राज्य में गोठान के नाम पर सबसे अधिक घोटाला हुआ, जिस राज्य में गाय के गोबर के साथ घोटाला हुआ, वो लोग आज बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने गाय का भी अपमान किया, गाय गौ माता का भी अपमान किया, वो आज गौ की चिंता की बात करते हैं। आपके पार्टियों में गौ का किस प्रकार से खेल होता है सब कोई जानते हैं। इसलिए आने वाले समय में जो पाप आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। सर, राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला बीच का रिपोर्ट AICC पहुंच गया है। दीपक वैद्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी अपना घर देखे, हम अपना घर का मामला सुलझा लेंगे। अब दीपक वैद्य जी क्या सुलझाएंगे, वो तो खुद परेशान है भूपेश से। उनके हार का कारण का पता चल पाया है क्या दीपक वैद्य जी को? पता चल गया हो तो ये बात नहीं बोलते। भाजपा का मंडल अध्यक्ष ने उनको ठिकाने लगा दिया, और वो ठिकाने लगाने में कौन कौन साथ में है थोड़ा पता करना चाहिए दीपक वैद्य जी को। कौन कौन चीज ठीक करेंगे, बाबा को ठीक कर पाए क्या? और अभी तो कितने और बीमार पड़े हुए हैं देखिए।